अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मोहम्मद दानियाल फ्रॉम मिलिट्री स्टेट DHA लाहौर, और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ आपको एक गुड न्यूज़ देना है, जो कि नाइन प्रिज्म के हवाले से है, कि जो नाइन प्रिज्म की अप्रोच थी और नाइन प्रिज्म की जो एंट्रेंस है जिसमें आप नाइन प्रिज्म से एंटर हो सकते हैं, एक अंडर पास था जो कि काफ़ी टाइम से ज़ेर तामीर था, अंडर कंस्ट्रक्शन था, और जो कनेक्ट कर रहा था फेज़ 6 को फेज़ 9 प्रिज्म के साथ, उसका काम अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है और वो ईद से पहले इसको थ्रू कर दिया है फॉर लोकल पब्लिक, और इट्स अ वेरी गुड साइन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ 9 प्रिज्म। बेसिकली एज यू ऑल नो कि 9 प्रिज्म की 5 एंट्रेंसेस हैं, और 5 डिफरेंट एंट्रेंसेस हैं जिससे आप 9 प्रिज्म एंटर हो सकते हैं, जिसमें से एक मोस्ट कॉमनली और मोस्ट जो अट्रैक्टिव एंट्रेंस थी वो ये वाली थी कि जो आपको फेज 6 DHA फेज 6 से आपको डायरेक्टली 9 प्रिज्म में कनेक्ट करती है। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि एक एंट्रेंस 9 टाउन से है और एक आपकी जो एम एक्सटेंशन से थ्रू होती है, जो कि आपको कनेक्ट करेगी इन फ्यूचर 9 प्रिज्म के बी ब्लॉक के साथ, और 2 एंट्रेंस आपकी रिंग रोड के पास हैं जो कि एक आशियाना कायद के साथ जो इंटरचेंज है उससे आप एग्जिट कर सकते हैं, और एक के ब्लॉक के बिल्कुल साथ एक एंट्रेंस है। तो ये एक बड़ा एक पॉजिटिव साइन है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ 9 प्रिज्म, कि अगर आप इन फ्यूचर अब अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, जो कि आपको पता है कि क्यू और आर के जो ऑनर्स हैं, जो प्लॉट ऑनर्स हैं, उसके अंदर तो पोजेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसकी तो लिस्ट नहीं आई, बट इंशाल्लाह फ्यूचर में उसकी लिस्ट भी आउट हो जाएगी, और इंशाल्लाह जो प्लॉट ऑनर्स हैं, जो अपना घर बनाना चाह रहे हैं, वो अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन एक आपकी जो नीड थी, जो एक एक बेसिक नीड थी कि आपकी एक एंट्रेंस होनी चाहिए जो कि प्रॉपर एक अच्छी और विदाउट एनी जो रशी एरिया है उसको आप पास थ्रू करते हुए आप 9 प्रिज्म एंटर हो जाएं, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव सा साइन है 9 प्रिज्म के प्लॉट ऑनर्स के लिए कि फेज 6 को फेज 9 के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और लोकल पब्लिक के लिए उसको ओपन कर दिया गया है। और अब इंशाल्लाह जैसे जो DHA की जो अथॉरिटीज़ हैं उनका जो प्राइम फोकस है वो DHA 9 प्रिज्म की तरफ है, क्योंकि एक अनयूजुअल सा डिले इसमें ऑलरेडी हो चुका है ड्यू टू द कोविड टाइम, और एक काफ़ी ज़्यादा एक अनयूजुअल सा डिले था, जो कि प्रोजेक्ट इसको कंप्लीट काफ़ी टाइम पहले हो जाना चाहिए था, बट अभी तक ये नहीं हो पाया। बट अभी इंशाल्लाह जो DHA की कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो DHA 9 प्रिज्म को मेनली फोकस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देख रहे होंगे कि विद द पैसेज ऑफ ईच एंड एवरी डे इसमें काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, और इंशाल्लाह आपको बस जल्द ही ऑन ग्राउंड भी जाके डेवलपमेंट का स्टेटस दिखाएंगे, और वहाँ पे जो एंट्रेंस आपकी जो फेज़ 6 से फेज़ 9 को कनेक्ट किया गया, इंशाल्लाह आपको ऑन ग्राउंड उसका भी एक सूरत हाल का जायज़ा इंशाल्लाह आपको वहाँ पे ऑन ग्राउंड जाके दिखाएंगे। और 9 प्रिज्म में सेलिंग और बाइंग के हवाले से आपको कोई भी मालूमात चाहिए, आप किसी भी हवाले से आप मुझसे कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे मेरे दिए गए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको एक बेहतर और एक भरपूर एक वे में आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।